बीजेपी ने हरियाणा के हिसार लोकसभा सीट पर रंजीत चौटाला को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कुलदीप बिश्नोई ये आस लगाए बैठे थे कि पार्टी उन्हें हिसार से टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बिश्नोई का दर्द और नाराजगी खुलकर सामने आ गई। होली के अवसर पर कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में उन्होंने अपना दुख और नाराजगी दोनों जाहिर किया। उन्होंने कहा कि टिकट की घोषणा के बाद से उनके पास समर्थकों के फोन आ रहे हैं, इसके अलावा भी कई लोगों के फोन आ रहे हैं, लेकिन हमें मायूस नहीं होना है, हमें पार्टी के लिए काम करना है और पीएम मोदी के हाथ को मजबूत करना है। साथियों, सबसे पहले तो मैं जो हमारे 10 के 10 लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरे तमाम जो हरियाणा के साथियों से प्रार्थना करता हूं कि बढ़ चढ़कर आप इन सभी साथियों का साथ दें, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भारतवर्ष को बुलंदियों पर लेके जा रहे हैं और हमने क्या हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य दायित्व ये बनता है कि हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। मेरे पास कल से बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मायूसी है, मेरी उन सबसे प्रार्थना है कि हमें मायूस नहीं होना है, अभी ज़िंदगी बहुत लंबी पड़ी है। आज हमारा प्राथमिकता हमारा देश होना चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़े, और देश आगे तब बढ़ेगा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। इसलिए 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र और राजस्थान के भी जो मेरे साथी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि हमें अपना आपा नहीं खोना। हमने भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में हमें पार्टी के लिए काम करना है और मजबूती देनी है, और सभी प्रत्याशियों को चाहे वो हरियाणा का है चाहे वो राजस्थान का है उनको विजयी बनाने में अपना योगदान देना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वही कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव बिश्नोई ने भी एक्स पर लिखा कि राजनीति में आपकी लोकप्रियता ही अक्सर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती, लेकिन बाद में उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। टिकट न मिलने पर बिश्नोई समाज ने ट्विटर पर नाराज होकर ट्रेंड भी चला दिया। आपको बता दें, हिसार जिला शुरू से ही भजन लाल परिवार का क्षेत्र रहा है। हिसार के अलावा इससे सटे राजस्थान में भी बिश्नोई समुदाय के वोटर हैं। कुलदीप बिश्नोई के द्वारा वीडियो पोस्ट करने के बाद उनके इस वीडियो की काफी चर्चा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि टिकट न मिलने के बाद कुलदीप बिश्नोई क्या करेंगे। उनके बेटे को भी मंत्री नहीं बनाया गया, इसका अफसोस भी बिश्नोई को है। पिता पुत्र दोनों का दर्द अब सामने आ रहा है। फिलहाल दोनों की नाराजगी और पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद टूटने के बाद भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कुलदीप बिश्नोई निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी और पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि बिश्नोई ने खुलकर बीजेपी के समर्थन में बात कही है। हालांकि वह अभी पार्टी में ही रहकर बीजेपी की सेवा कर सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई 2 बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।